सिवान में आभूषण दुकान से शुक्रवार को लूटपाट हुई थी। अपराधियों ने हथियार के बल पर 50 लाख से ज्यादा के आभूषण लूट लिए थे। घटना के बाद हथियार लहराते हुए अपराधी फरार हुए थे। इसके विरोध में आज व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, व्यवसायी लुटेरों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। हालांकि दूसरी तरफ पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो ज्वेलरी दुकान में लूटपाट हुई थी और उसके विरोध में जो व्यवसायी है वो सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें दो आपको दिखा रहे हैं जहां व्यवसायी दुकान में लूटपाट हुई थी, उसकी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। बाइक सवार अपराधी आए थे, हाथ में पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए थे ज्वेलरी की लूटपाट करके। और ये तस्वीरें, पहली तस्वीरें जो है वो बता रही कि किस तरीके से सिवान में ये पूरी घटनाक्रम सामने आई थी। अपराधियों ने किस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया था, हाथ में पिस्टल, बाइक पर सवार, ज्वेलरी की लूटपाट, दिनदहाड़े इस घटना को अंजाम। और दूसरी तस्वीर आक्रोश की, और व्यवसायी आक्रोशित हैं। पुलिस का संरक्षण आखिर क्यों व्यवसायियों को नहीं मिल पा रहा है? ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के बाद से पुलिस अब तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर सकी? हालांकि पुलिस के एंगल से बात करें, छापेमारी जारी है, कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन सफलता अब तक हाथ नहीं लगी है। लेकिन ये तस्वीरें और इन तस्वीरों के जरिए ये तमाम जो चेहरे भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों के आने के बाद भी गिरफ्तारियां अभी तक नहीं हुई है। निरंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। निरंजन, ज्वेलरी दुकान से लूटपाट की गई थी, आज व्यवसायी आक्रोशित हैं, सड़कों पर हैं, क्या कुछ आज कहते हुए नजर आए व्यवसायी? हाँ देखिए राहुल, बिल्कुल, ये कल शाम का मामला 4 बजे के करीब में रघुनाथपुर में जिस प्रकार ज्योति अलंकार ज्वेलर्स में लूटपाट की गई और जिस तरह हथियार लहराते हुए अपराधी खुलेआम सड़कों पर तांडव करते रहे नजर आए, ऐसे में पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा होता है। पुलिस की बड़ी लापरवाही है क्योंकि थाना के महज 100 मीटर दूरी पर इस तरह की घटना होती है और आज उसको लेकर जो स्थानीय व्यवसायी है वो काफी आक्रोशित है, अपनी दुकानें बंद करके जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जो आरोपी है, जो लुटेरे हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब तक कल शाम की 4 बजे की घटना है और अब तक पुलिस द्वारा शिनाख्त नहीं किया गया है और न ही कितना का कहना के और जो नगद की चोरी लूट की गई है उसका भी आकलन अभी आधिकारिक तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। और पुलिस वाले जो बड़े अधिकारी है, अधिकारी एसपी हो या एसडीपी हो, सभी चुप्पी साध लिए हैं इस मामले पर। जी चलिए, शुक्रिया निरंजन तमाम जानकारी के लिए।